20 मिनट समय है, मेरी एक विशेषता है, 1:29 को मैं व्यासपीठ पर आ जाता हूँ, 1:30 को बाबा की महिमा का गुणगान प्रारंभ कर देता हूँ, 5:30 पे अगर कोई 10-20 मिनट कथा में खंडित न करते हुए अगर पूर्ण रूप देने में कोई समय लग जाए तो अलग बात है, 1:30 से 5:30 अपने जीवन के 2 दिन आप अवश्य देना, अपने इष्ट मित्रों को लाना, यही मेरी भावना है। तो जो आज के भगत है जिन्होंने हाथ ऊपर करके मैंने देखा हूँ, सबके चेहरे नहीं उनके घर भी मुझे पता है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि कल उस भेंट के यजमान किशोर जी मुंदड़ा वाड़ी वाले मनोज मुंदड़ा सॉरी किशोर मुंह में बढ़ गया, बाप जी का सातवां आवन है किशोर मुंदड़ा तो इलिया है किशोर बाबू को नाम मुंह में बैठ गया, हमारे बाप जी महाराज गोंदिया से रोज आ रहे हैं डेली, बोलो मैंने तो आज तक जिंदगी में इतने साल से जुड़ा हूँ पाल चौक के दरबार पे कई बार गया हूँ, जब भी जाता हूँ गोंदिया के बाहर गोंदिया वाया गोंदिया तो मैं वहां जाता हूँ, कल नसीराबाद के बाबूजी आए थे वाया पूना फ्लाइट से आए और सुबह 8 बजे की फ्लाइट से वापस पूना गए, लेकिन एक शब्दों का मान रखने आए, तेजराज जी जैन आए बाबा की दया से, और भी जिनको हाँ महंत गिरी जी आए तेलंगखेड़ी वाले आए, आज नरेंद्र धाम दादा धाम के नरेंद्र जी आए, जिनको बाबा बुलाएगा आएंगे, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 40 पाठ के बाद आरती होगी, प्रसाद आज बीकानेर मिष्ठान भंडार की ओर से आनंद के साथ प्रसाद लेकर जाइए, 1 नहीं 2-2 लड्डू खाइए, बढ़िया क्योंकि बहुत भेज दिया, मैंने कहा 2000 भेजना, उन्होंने 2500 भेज दिए, मैंने चल भैया बाबा जो इच्छा हो, तो 1-1 नहीं 2-2 लड्डू खाते हुए जाइए बाबा के नाम से, बाबा का नाम लेकर मुंह मीठा करें, आपके जीवन में मिठास बनी रहे, आपके जीवन का हर कण रामदेव जी की आशा और आशीर्वाद से फलता फूलता रहे, इसी भावना के साथ बाबा के रामदेव जी की 40 का पाठ जो हमारी नेतल को भी कंठस्थ है, महिमा गाऊं आपकी ओरुणी चेराराम, अर्ज सुनो भगता की दाता छोड़ सारा काम, बलराम राज कवार की आप में से हर हर जितने भी भक्त हैं कौन हमेशा 40 घर में या बाहर जब भी जो हमेशा 40 करते हैं पाप पढ़ते हैं, क्या बात बहुत अच्छी बात, जो नहीं पढ़ते हैं उन्होंने एक काम करके देखना मेरे बोलने से, एक नारियल सूखा लीजिए, सूखा जो ऐसा खड़खड़ बसता हो उसको साफ कर लीजिए, सिर्फ छोटी सी चोटी रखना, जरा सी चोटी निकालने के बाद 2 बिंदु दिखते हैं वहां पर, ऐसा लगता है किसी नर की आकृति है क्या, किसी वानर की आकृति ऐसा लगता है, साफ कर लेना और चोटी बाबा के तरफ रहे इस तरह से नारियल को रखना, यानी गोलाकार भाग अपनी तरफ चोटी बाबा के तरफ, उस नारियल को साफ कर लिए तो बाल उस पर के पूरे निकल जाएंगे, जो भी आपकी मनोकामना है जो भी इच्छा है जो किसी कारण लटकी हुई है ऐसी इच्छा को मन में बाबा के सामने जल लेकर उस नारियल पर छोड़ दें, सिर्फ जल बाकी कुछ भी नहीं, कुकु अक्षत फूल कुछ भी, सिर्फ जल छोड़ना है कि बाबा ये श्रीफल मेरी इच्छा को पूर्ण तुर्क से फलित करे पूरी करे, इसी कामना के साथ मैं ये कर रही हूँ, ऐसा बोलकर 1 कपूर उसके ऊपर चास देने की, 1 डल्ली सिर्फ, 1 गोल गोल टिकिया थी 1 टिकिया, और चसने के बाद पूरी हो खुद होकर बूझती है तब तक लगातार रामदेव जी का स्वरूप उस ज्योति में देखकर अपनी जो भी इच्छा है बोल दीजिए, कपूर जलेगा अपने आप शांत होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लगातार 40 दिन तक 1 बट्टी आज 1 बट्टी कल 1 बट्टी परसों, रस्ते में हो पीरियड हो कुछ भी हो, महिलाओं को अगर किसी प्रकार से अगर 4 दिन का कोई
प्रावधान है कि भाई उसमें पूजा पाठ नहीं, ये पूजा पाठ नहीं है, ये अनुष्ठान है, अनुष्ठान किया जा सकता है, प्रभु का नाम स्मरण चिंतन किया जा सकता है, पूजन यज्ञ प्रतिष्ठापना ये नहीं की जाती, लेकिन भगवान का नाम कभी भी लिया जा सकता है। तो 40 आयनी भगवान का नाम है, 40 पंक्तियों में बाबा रामदेव जी के महिमा का गुणगान है, इसीलिए उसे कहते हैं चालीसा, हनुमान चालीसा, रामदेव चालीसा, 40 पंक्तियों में गुणगान है, इसलिए उसे कहते हैं चालीसा। तो एक कपूर लगाकर अपने मन का भाव रखिए, 40 दिन लगातार चालीसा का पाठ करिए, 40 दिन इसलिए सवा महीना, उसे कहते हैं सवा महीना, 1001% मुझे विश्वास है कि आपका कार्य सिद्ध होगा। मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं जो रामदेव जी से अर्ज लगाई उस अनुष्ठान को उन्होंने सिद्ध नहीं किया, ऐसी एक भी चीज नहीं। तो आइए सब मिलकर मनी मन किसी भी दूज से कर सकते हैं, दूज के दिन करना चाहिए प्रारंभ, क्योंकि दूज ऐसी तिथि है शुक्ल पक्ष की कि उसमें चंद्रमा उदित होकर धीरे 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 बढ़ता है, इसलिए दूज से हमारा कार्य पूर्णता की ओर जाने चाहिए, इसलिए दूज का उसमें विधान दिया गया है, विधिवत किया गया कार्य है, निश्चित रूप से परिणाम देगा, आप करके देखिए। रामदेव बाबा टेकड़ी मंदिर में चालीसा पाठ की चलन मैंने डाली इसलिए कि जो भी भक्त आए तो चालीसा कर सके, वो नियम आज भी चल रहा है, देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती कि बाबा बाबा इस बहाने रामदेव जी की एक महिमा का गुणगान का, आइए सब मिलकर। अजमल सुताय, अजमल सुताय विद्महे रामदेवाय धीमहि तन्नो तंवर प्रचोदयात्। श्री रामदेव गायत्री मंत्र, मन ही मन बाबा का स्मरण करने के लिए कहीं भी रहो, एक गायत्री मंत्र काफी है बाबा को स्मरण करने के लिए। बाबा के मंदिर के अंदर न जा सको तो ध्वजा के दर्शन लेकर भी मूर्ति के दर्शन का फल प्राप्त होता है। कल डालीबाई की समाधि है, विशेष रूप से आप सभी से निवेदन है, भक्तों की कथा सुनने के लिए भगवान जरूर आते हैं। भगवान को पता है मेरी कथा तो मैं रोज ही सुनता हूँ, आज मेरे भक्त की कथा होगी, नई आने वाली भी भगवान आते हैं। तो बड़े प्यार से कल उसके पश्चात रामदेव जी की चिरंजीव समाधि विधिवत पूरी तरह से संपन्न कराई जाएगी, और उसके बाद है श्री रामदेव विष्णुपाद महायज्ञ। यकीन मानिए मैंने नागपुर में किसी से चंदा नहीं लिया इस कथा के लिए, जिसने जो जो इच्छा है वो स्वीकार किया, आपको यकीन नहीं आएगा, कई ऐसे पैसे वाले लाखों करोड़ों की माया, उन्होंने मुझे 2100, 5100, 1100 दिए, मैंने स्वीकार किया, लेकिन एक अर्जी उनसे की कि एक बार कथा में ज्योत के दर्शन के लिए जरूर आना। जिसने जो दिया कोई यजमान ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे पंडित जी ने इतने रुपए मांगे, नहीं, मैंने कहा कि 7 खंडों में ये है और उसका अनुमानित ये खर्च है और बाकी का बाबा वहाँ जो देगा देगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कथा में सहयोग करना चाहिए, किसी से चंदा लिए बगैर अगर कोई इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें मैंने सहयोग देना चाहिए, तो अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनके आत्म कल्याण के लिए मन में भावना रखकर आप अपना योगदान वहां लिखवा सकते हैं। वहां लिखा है तन मन और धन से सेवा अपेक्षित है, जोरी नहीं जबरदस्ती नहीं। 5-7 लोगों को ले जाकर अगर किसी से 11,000 ले भी लिए तो क्या ले लिए, जो खुद होके 11 रुपए दे दे तो निश्चित रूप से कल्याण है। इस भावना के साथ मैं बाबा से निवेदन करता हूँ कि जिन्होंने तन मन धन से सहयोग दिया है,
जो तेरी ज्योत का दर्शन करने के लिए आए हैं उन सब का मंगल करना, उनके पितरों को स्थान देना यथोचित, अपनी शरण में लेना बाबा। है विष्णु के अंशावतारी, तुमसे एक अरज हमारी। कमल की स्थापना आपने देखे, कमल पर स्थान का अधिकार तीन को है, एक है शारदा को, एक है मां लक्ष्मी को और एक है पितरों को, और कमल पर कोई विराजमान नहीं हो सकता। पितरों की प्रतिमा आज आपको खाली दिख रहा है, आपको लग रहा होगा ये क्या बात है, जजमान पद क्यों खाली है, कल तो सत्यनारायण जी बंग की थी, उसके पहले दामोदर जी भूतला की थी, उसके बाद में उनकी थी। आज के जो यजमान है उन्होंने कहा कि मैं जितने भी मेरे पितर हैं उन सब का कल्याण हो, एक का फोटो लगाकर मैं एक को नहीं करना चाहता, सबका कल्याण हो, सबको भगवान अपने चरणों में शांति दे। आज की तारीख में वो विदेश में है, बोले पंडित जी मैं बहुत दुखी हूं कि मैं वहां आ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी न्योछौर राशि वर्धमान नगर में अमुक अमुक से आप ले लेना, लेकिन मेरे पितरों के लिए भगवान से प्रार्थना करना। आरती के यजमान भी बने तो पन्ना लाल जी मणियार की स्मृति में, क्योंकि उनके ही कृपा से आज हमारे वंश की बेल बढ़ रही है। ऐसे ही सबको नमन करते हुए, सभी पितरों का वंदन करते हुए, जय 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 प्रभु राम देव, नमो नमो हर बार, लाज रखो तुम भक्त की हर पाप का भार, दीन बंधु कृपा करो मोर हरो संताप, स्वामी तीनों लोक के हरो क्लेश और पाप। शुरू से जय 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 प्रभु रामदेव, मैं कहता हूं जय रामदेव बोलने से भी तो हो सकता था, जय 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 तीन बार क्यों, श्रद्धा विश्वास और आस्था, इन तीनों का संगम लेकर हे रामदेव मैं तेरी जय जयकार करता हूं। जय 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 प्रभु रामदेव, नमो नमो हर बार, बार बार जब भी मैं नमन करूंगा तो तुमको ही करूंगा। लाज रखो इस भक्त की, मेरी लाज रखो प्रभु। कैसे रखोगे, हरो पाप का भार। मैं जानता हूं रामदेव जी महाराज कि कोई पापात्मा तुमको पा नहीं पा सकता, कोई पापात्मा तुमको पा नहीं सकता, मेरे पाप का भार हर लीजिए, मुझे पुण्यात्मा में परिवर्तन कीजिए। जब मेरे पाप का भार हर लोगे तो मैं पुण्यात्मा बन जाऊंगा, अपने आप मुझे आप स्वीकार कर लोगे। इतने पाप मैंने किए हैं, जन्म जन्म के पापों की गठरी मेरे साथ है, एक बार मुझे मुक्त कर दो, मैं आप जीवन भर गुण गाता आया हूं और गाता रहूंगा, एक बार मुझे मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कीजिए बाबा। लाज रखो तुम भक्त की हरो पाप का भार, दीन बंधु किसे कहते हैं, भगवान कृष्ण को, और दीन बंधु संतोषी माता को, सत्यनारायण भगवान को नहीं, दीन बंधु किसे कहते हैं, कृष्ण। दीन बंधु क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भगवान द्वारकाधीश के अवतारी है। दीन बंधु कृपा करो मुझ पे, दया करो, दीन बंधु कृपा करो मोरे हरो संताप। हे बाबा, बाबा मैं भी संसारी जी हूं, मेरे पीछे भी संताप लगे, कई प्रकार की झंझटें मेरे पीछे, इनसे मुझे मुक्त करो,
सब कर दिया मैंने, बेटे पैदा हुए बड़े हुए, उनके विवाह पढ़ाई करवा कर शादी ब्याह करा कर उनको लिखा पढ़ा कर सबल बना दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है प्रभु, अब कोई संताप मुझे घेरने ना पाए, अब मुझे आप अपने पथ पर चलाने के लिए मार्गदर्शन करें, मुझे आगे बढ़ाइए। दीन बंधु कृपा करो मोर हरो संताप, स्वामी तीनों लोक के भगवान द्वारकाधीश तीन लोक के स्वामी हैं, इसीलिए कहा है स्वामी तीनों लोक के हरो क्लेश और पाप। जो भी मेरे पीछे की झंझट है, जो भी मैंने पाप किए हर लीजिए, आखिरी विनती बस। जय जय राम देव जय कारी, विपद हरो तुम आन हमारी, तुम हो सुख संपत्ति के दाता, भक्त जनों के भाग विधाता, आप ही राम देव प्रभु स्वामी, घट घट के तुम अंतर्यामी, तुम भक्तों के भयहारी, मेरी भी सुध लो अवतारी, हो जग में नाम तुम्हारा भारी, भजते घर घर सब नर नारी, दुख भंजन है नाम तुम्हारा, जानते आज सुंदर धाम रुणी चा स्वामी, तुम हो जग के अंतरयामी, हो कलयुग में प्रभु आप पधारे, अंश एक पर नाम है ना, तुम हो भक्त जनों के रक्षक, पापी दुष्ट जनों के भाषक, सोहे हाथ में आपके भाला, गले में सोहे सुंदर माला, आप सुशोभित अश्व सवार, करहु कृपा मुझ पर अवतार, हो नाम तुम्हारा ज्ञान प्रकाश, पाप अविद्या सब दुख नाशे, तुम भगतों के भक्त तुम्हारे, नित्य बसो प्रभु ही हमारे, बहिला अपरंपार तुम्हारी, सुखदाता भय भंजन हारी, निर्बुद्धि भी विद्या पावे, रोगी रोग बिना हो जावे, पुत्र ही में सुसंतति पावे, सुयश दान कर मौज मनावे, दुर्जन दुष्ट निकट नहीं आवे, भूत पीछा तो सभी डर जावे, जो कोई पुत्र ही नर ध्यावे, निश्चय ही नर वो सुत पावे, तुमने डूबत नाव उबारी, नमक किया मिश्री को पारी, महापीरों को परचा तुम दीना, नीर सरोवर खारा दीना, हाँ तुमने पुत्र दिया कलजी को, ज्ञान दिया तुमने दुख तुम हर लीना, पुत्र मरा सर जीवन दीना, जो कोई तुम को सुमिरन करते, उनके हित कब आगे धरते, हो जो कोई तेरे लगाता तेरी, करते आप तनिक ना, जो कोई शरण आपकी आवे, मन इच्छा पूर्ण हो जावे, आनन ही निके तुम रखवावे, कोई पूगल के दुख तारे, नित्य पड़े चालीस
संपत्ति वाले घर हो, जो कोई भक्ति भाव से आते मन वाचित फल वो नर पाते। हाँ मैं भी सेवक हूँ प्रभु तेरा, तो जन्म मरण का मेरा, जय जय हो प्रभु लीला तेरी, पार करो तुम लीला। हाँ करता मैं विनय प्रभु तोरी, हर हो नाथ तुम मोर दोर, बोल रहा महाराज कमार की जय। टाइम 5:34 हो चुके हैं, 4 मिनट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, 1:30 से 5:30। देखिए तप है, तप करना जरूरी है, तप से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। इसीलिए जपी तपी ऋषि मुनि सन्यासियों की वाणी में सत्व रहता है। मैंने संकल्प लिया है 1:30 से 5:30 तक लगातार बाबा मैं तेरे ही बारे में बात करूंगा, और कोई बात नहीं करूंगा, और किसी विषय किसी भजन से किसी चीज से मैं अपने आप को भटकने नहीं दूंगा। ये संकल्प बाबा पूरा कर रहा है। मैंने पहले कहा, किसी भक्त ने कहा कल परसों के बाद, बोले पंडित जी कथा के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि रोज भोजन रखो तो उपस्थिति रहेगी, लेकिन बोले मेरी बात गलत सिद्ध हुई, बिना भोजन के व्यवस्था के इतनी उपस्थिति रह सकती है कि कल पंडित जी हॉल में खड़े रहने जगह नहीं थी। ये उस उद्गार भक्त के सुनकर मैंने कहा मैं आयोजन में सब कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे जो सहयोग मिला उसमें जैसा बन गया वैसा मैंने कर दिया। आगे 2 दिन की कथा है। महाप्रसाद निश्चित रूप से बाबा के रामदेव विष्णुपाद महायज्ञ नागपुर के इतिहास में दूसरी बार हो रहा है। इसके पहले टेकड़ी मंदिर पर हुआ था 2007 में, 2019 में हो रहा है। मैं आज के हमारे विशेष रूप से श्री रामस्वरूप जी साडा से निवेदन करता हूँ, कृपया व्यासपीठ पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें, और सही भक्तों से निवेदन करता हूँ जो सहयोग देना चाहते हैं वे अपना नाम वहां पर अवश्य लिखाएं। 1 मिनट, सभी को बुला लीजिए। जय बाबा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तः रक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चलिए जय बाबा की। भक्तों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर ही खड़े रहें, अपने स्थान पर ही रहें, आरती का थाल आपके पास आ जाएगा। आप अपने स्थान पर ही खड़े रहें, कुछ हमें औपचारिकताएं पूरी करनी है, वो औपचारिकताएं हम पूरी कर रहे हैं। कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष रमेश भाई चौहान और किशोर भाई परमार एवं प्रवीण भाई चौहान ये यहाँ पर उपस्थित है। इनसे गुजारिश है कि कृपया यहाँ पर आए, कृपया मंच पर आए। श्री रमेश भाई चौहान, प्रवीण भाई चौहान, किशोर भाई परमार, इनसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आए। सभी से निवेदन है आप दे दीजिए। और गुणवंत भाई चौहान भी आए हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाए। ऐसे ही श्री गणेश जी पवार हमारे बीच उपस्थित है, उनसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाए। हमारे 2 दिन पहले जो श्रृंगार के यजमान थे किशन जी पवार, उस समय
गणेश जी पवार उस समय उपस्थित नहीं हो पाए थे, उनसे आग्रह की कृपया मंच पर आए, उनका हम सत्कार करेंगे। श्री गणेश जी पवार से विनंती है कि वे सपत्निक यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन्हें भी आमंत्रित करें। आइए सर। श्री मनीष जी सावला और भावना जी सावला दोनों से विनंती है कि कृपया मंच पर आए, वो इनका स्वागत करेंगे। मनीष जी सावला और भावना जी सावला, उनसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। कहाँ रुक गए? गणेश जी पवार, आपसे आग्रह है कि कृपया मंच पर आएं। आइए गुनंद भाई चौहान। मिसेस पवार से भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। श्री गणेश जी पवार का स्वागत करने के लिए प्रदीप भाई चौहान से निवेदन करता हूं। श्री राम साफिर मित्र परिवार के श्री प्रदीप जी चौहान, इनको जानकारी नहीं है ना। जय बाबा। और मन है ना अपने स्वागत करने। हाँ बेटा, खुश। एक मिनट, आराम से आराम से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। एक सेकंड। हाँ, यहाँ पहले गणेश जी पवार को शॉल देकर राम सापीर मित्र परिवार की ओर से श्री प्रदीप जी चौहान मीठी तालियों से स्वागत करें। और मैं भावना जी से निवेदन करूंगा, सौभाग्यवती पवार जी को ये ट्रॉफी आपके ओर से स्नेह भेंट देकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा। ले बेटा। ओम श्री सते लक्ष्मीश्च पद्म्यं बहोरात्रे पारश्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यासः। आज के हमारे जो यजमान है वो ही मंच के ऊपर में आएंगे, बाकी सभी लोगों से विनंती है कि कृपया अपने स्थान पर ही खड़े रहें। हर एक के पास में आरती पहुंचेगी, हर एक को ये मौका मिलेगा। अजय जी मनियार एवं उनके पूरे मित्र परिवार से विनंती है कि वो आरती के लिए सामने आ जाए। अजय जी भी से निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाएं। अजय जी के साथ में उनके मित्र परिवार आए हैं, अभिषेक जी महेश्वरी, उनसे भी आग्रह की कृपया मंच पर आ जाएं। आज मेरी बेटी के समान नीतल यहाँ पर विराजमान है, जिसने डाली बाई की प्रतिमा को साकार किया, उस स्वरूप को सिद्ध किया। अजय जी मनियार से आग्रह है कि वो सपत्निक मंच पर आकर सत्कार ले ले। मुझे पता चला कि उनके यहाँ सूतक है तो वो पूजा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम सत्कार तो कर सकते हैं। अजय जी मनियार, मिसेस मनियार, आपसे आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाए। रूपा बजाज अगर आई हुई है तो, या फिर तू आ जा, धर्मेंद्र की बहन मेरी बहन, इधर आ जा जल्दी से। बड़े प्यार से। हाँ, कागज नगर से पधारी है, इसीलिए तो बोला धर्मेंद्र की बहन मारी बहन। कथा सुनने के लिए कहाँ कहाँ से लोगों का आगमन हो रहा है देखिए आप। और सौभाग्यवती किशोर जी चांडक की, सौभाग्यवती किशोरी, आइए जल्दी। रूपाली कावेरी जी चांडक, कावेरी जी चांडक, स्वागत है आपका। आइए। किशोर बाबू भी हैं सर, उनको भी बुला लूं। किशोर बाबू भी साथ में नहीं आए क्या? नहीं आए। गुरु रामदेव महाराज
बोले खाटू नरेश की। भंडार भरो, जय बाबा। तो आइए सब मिलकर बाबा की आरती करते हैं। मैं कुछ लोगों की ये चाहत थी, इच्छा थी कि जो दोपहर को आपने लाइनें गुनगुनाई थी, वो लाइनें हमारे कुछ सर के ऊपर में से निकल गई थी, तो उन लोगों के लिए, सबके लिए आरती शुरू हो उसके पहले आप लोगों से विनंती है कि ये लाइनें ध्यान से सुन लीजिए, साथ में ले जाइए और कल लोगों को सुना के इससे ज़्यादा लोगों को लेके आइए कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। सुन रहे ना, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। सुनने को तो मिल जाते हैं जम्मा पचासो, सुनने को तो मिल जाते हैं जम्मा पचासो, लेकिन रामदेव कथा सुनने का मौका बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। आदरणीय राजेंद्र जी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा मेरी धर्मपत्नी सौभाग्यवती ज्योति से कि आज के डाली बाई का स्वरूप लिए इस कन्या का, मेरे बेटी के समान है। मैं इनके घर वालों को, हनुमान जी शर्मा को, इनके पिता को निवेदन करता हूं अपने बच्ची के पास खड़े रहें। ओम मंगलम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओ डाली बाई बाबा थारा तगलिया पखारती, और लाछार सुगना बाई करे थाकिया आरती। ओ हर जी भाटी रे मन भावणिया, हो रामा हर जी भाटी रे मन भावणिया। अजमाल जीरा कवरा गणपत जी अग्रवाल, खम्मा खम्मा हो मारा रोनी चेहरा भैया, हमने तो धावे आती मारी वारो आखो गुजीरा हो, अच्छे मान जीरा कर मेरा, खम्मा खम्मा हो रामा रोनी चेहरा भैया। खेलो मारो सामरो सामरो सामरो, बुलानी ने तलरा भरे तार,
सरस मारो राम देव बाबो पान करे लक्षा बाई सुपना बाई पहले हर की आन बोलो जी भाती चवर ढोले कहे को ना मेरा माहू में हर की आरती हो हीरारे तंबूरो धनी रे नौ पत्ते बाजे हो हीरारे तंबूरो धनी रे नौ पत्ते बाजे ढोल रे नगाड़ा मंजीरा बाजे ढोल रे नगाड़ा मंजीरा बाजे ओ झाल रे झनकार पड़े लाचा भाई सुगना भाई करे हर की आर बोलो हर जी भाई चवर ढोले मेरा माहो में हर की आरती चूरमो तिलक मिठाई बाबा चढ़ता चूरमो पारी महकार उड़े अच्छा भाई सुगना भाई बने हर की आर बोलो हरे जी भाई चवर भोले मेरा माहो में हर की आर ताली भावना हरी शरणम
में भाटी हर जी ने बोलिया हरि शरणा में भाटी हर जी ने बोलिया बोला खंडा में निशान रे लाचा भाई सुगना भाई अरे हर की हार बोलो हर जी की भाटी जवर डोले तो मेरा मोह में हर की हार हो कर पूर गौरव चनावतार मंदार मालाकालेखरा दिव्यांबराय च दिगंबराय नम शिवाय ओम नम शिवाय शांतातारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम ओम शिवाय मेघवर्णम शुभां लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विभानकम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव